नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में हमारी कविता 8 माँ कह एक कहानी को देखा था और समझा था, और उस काव्य में भाषा सच्चता में क्रिया के काल यानी जो व्याकरण दिया था उसे भी देखा और हमने उसकी जानकारी भी प्राप्त की और कुछ उदाहरण भी देखे। आज हम हमारे इस वीडियो में हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया है, पाठ 9 ममता, जो एक कहानी है, उसे देखने और समझने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ 9 ममता। बच्चों, इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनके रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है, यानी उनके मुख्य नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है बच्चों, बराबर। उनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। बच्चों, अब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी इस कहानी की चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है, बराबर ने। हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो चलो बच्चों, इस कहानी को पहले संक्षिप्त में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री, बराबर, यानी रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पाली का पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। ममता के पिता रोहतास दुर्ग के मंत्री थे और उनका नाम था चूड़ामणि। जो चूड़ामणि थे वह अपनी एकमात्र स्नेहपाली का पुत्री जो विधवा थी उनके दुख से वह अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। पिता चाहते हैं कि उनकी जो विधवा पुत्री है ममता, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, बराबर। इस वजह से एक बार उनके पिता उनके लिए यानी ममता के लिए स्वर्ण उपहार भेजते हैं, लेकिन ममता वह लौटा देती है। एक बार डोलियों में छुपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी आक्रमण किया और अधिकार जमा लिया। उस दौरान जो ममता के पिता थे मंत्री चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वही रहने लगी। चूड़ामणि जो थे वह तो मारे गए, लेकिन ममता जो थी वह वहां से बच निकली और काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वही अपना समय और जीवन बिताने लगी, बराबर, पहुंची और वही अपना जीवन बिताने लगी। अब लंबा समय बीत गया, यानी बहुत समय हो चुका था उस बात को। एक दिन अपनी झोपड़ी में बैठी ममता
दीप के आलोक में पाठ कर रही थी। काफी समय बीत गया था और उसके बाद एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठकर बराबर दीपक के आलोक में पाठ कर रही थी और तभी वहां एक हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पति को आश्रय दिया और जब वह दीपक के सामने बैठकर बराबर स्थित वहां दीपक के सामने झोपड़ी में बैठी ममता जब पाठ कर रही थी ने वहां एक अतिथि ने आश्रय मांगा उनके पास और उन्होंने संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन किया। पहले तो उसे कुछ संकोच हुआ लेकिन उसने अतिथि धर्म अतिथि देवो भव बराबर यानी अतिथि हमेशा भगवान के तुल्य यानी भगवान होते हैं उस धर्म का पालन करते हुए उसने उस पति को आश्रय दिया। वह पति कोई और नहीं हुमायूं था जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। जब उसने ममता ने उन्हें आश्रय दिया ने तो वो नहीं जानती थी कि चारों देश के हुमायूं जो राजा थे वह थे। उन्होंने ममता ने तो अपना अतिथि धर्म निभाया अतिथि देवो भव का धर्म निभाया और उसे आश्रय दिया बराबर। और हुमायूं ने दूसरे दिन सुबह अपने सैनिक मिर्जा को वहां जहां ममता रहती थी जो अब वृद्ध हो चुकी थी बराबर उस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। हुमायूं ने उस जिस झोपड़ी में हुमायूं को आश्रय मिला था यानी ममता की झोपड़ी जो थी उस टूटी झोपड़ी को बनवाने का उन्होंने आदेश दिया। ममता जब उन्होंने आदेश दिया था यानी ममता उस समय बहुत वृद्ध हो चुकी थी बराबर तो ममता तब 70 साल की हो चुकी थी बच्चों। अचानक उसे एक अश्वरोही की आवाज सुनाई दी। जब वह सैनिक मिर्जा घोड़े पर सवार होकर बराबर उन्होंने एक आवाज सुनी अश्वरोही की तो आवाज सुनी जैसे उन्होंने आवाज सुनी झोपड़ी के बारे में कोई वहां बाहर पूछपरछ कर रहा था। उन्होंने देखा उन्होंने सुना कि कोई झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वरोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर और जब उन्होंने वह अश्वरोही की आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि कोई उनकी झोपड़ी के बारे में पूछपरछ कर रहा था तो ममता ने वह झोपड़ी उसे सौंप दी और वह अनंत यात्रा में चली गई यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी बराबर। जैसे उन्होंने झोपड़ी उनको सौंपी उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना और उसके बाद उस स्थान पर एक आकर्षक बहुत ही सुंदर मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश यानी सातों देश के राजा हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था बराबर। वह जो झोपड़ी ममता की थी और ममता की झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर आकर्षक मंदिर बना बच्चों और उस शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था किंतु ममता का कहीं जिक्र तक नहीं था जिसने उस दिन राजा सातों देश के राजा नरेश हुमायूं को बचाया आश्रय दिया उसका उस शिलालेख पर कहीं भी नामो निशान नहीं था बराबर है बच्चों। तो देखा बच्चों मैंने अभी आपको हमारे जो पाठ 9 ममता जो एक कहानी था उसका संक्षिप्त रूप में मैंने आपको थोड़ी कहानी बताई तो आपको पता चल गया होगा कि अब इस पाठ में क्या आने वाला है। तो हमारे पाठ को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों हम उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अब शब्दार्थ को समझते हैं। प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का जो कमरा रहता है ना उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। तृणगुल यानी घास का समूह या तो झाड़ी बराबर है बच्चों घास का समूह या तो झाड़ी बराबर उसे तृणमूल कहते हैं तृणगुल। तीक्ष्ण तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह प्रवाह यानी बहाव। वेदना वेदना यानी पीड़ा दुख।
विकल, विकल यानी बेचैन, व्यथित, व्यथित यानी पीड़ित, दुहिता, दुहिता यानी पुत्री, कन्या, विकीर्ण होना, फैल जाना, उत्कोच, उत्कोच यानी घोष या रिश्वत, प्राचीर, प्राचीर यानी चार दीवारी, विभूति, विभूति यानी समृद्ध प्रभुता, विपन्न, संकटग्रस्त, आतताई यानी अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला, विरक्त यानी खिन्न, दुखी, मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, बराबर उसे मृगदाव कहते हैं बच्चों, शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन। जीर्ण, जीर्ण यानी जर्जर, टूटा फूटा, वृद्ध, बराबर है बच्चों। तो आपको शब्दार्थ अच्छे से अपनी नोट में उतारने हैं बच्चों। मैंने आज आपको हमारी इस कहानी ममता का संक्षिप्त स्वरूप समझाया, बराबर है। अब पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो पाठ है वह हम हमारी अगली वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। तो आना बच्चों।